सो दिस इज अवर डायमंड कन्वेंशनल मर्क्यूरियल बीपी अपरेटस विच वी ऑल्सो नो एज स्पिग्मो मैनोमीटर. सो वी स्विच ऑन द टैंक. सो वेन पेशेंट गोज टू अ क्लिनिक द डॉक्टर विल टाई द कफ. ये कफ जो है डॉक्टर बांध देगा पेशेंट के हाथ पे. यहाँ पे वॉल लगी हुई है, ये वॉल को डॉक्टर जो है इसको टाइट कर देंगे. डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक जो भी है इसको कर देंगे. अब जब मैं दबाऊंगा तो देखिए कि पारा ऊपर जा रहा है. अब मैं जब वॉल यूज कर रहा हूं तो ये यहां पे रुक गया. अब डॉक्टर को प्रॉब्लम क्या आती है, उनको स्टेथोस्कोप लगा के बीट हार्ट बीट भी देखनी है, पर यहाँ पे देखना तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है. तो डॉक्टर को क्या, आपने नॉर्मली देखा हो, डॉक्टर जब बैठ के बीपी लेते हैं, नर्स बीपी लेते हैं, तो वो हल्का हल्का यहाँ से हवा निकालते हैं और यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए कि नस का वेरिएशन कितना, की बीपी कहाँ आई, इस तरीके का वेरिएशन देखने के लिए. अभी जब ये वॉल बंद है तो रुका हुआ, देखिए आप एकदम स्टिल है, ये कवर कर लिया. अब हम इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एक ऑटो डिफ्लेशन वॉल लगा देंगे हम इसके अंदर जो कि इस कनेक्टर की जगह पे होता है. अब जैसे मैंने कनेक्टर से निकाला तो हवा निकल गई, मैंने कनेक्टर को इस पाइप में से हटा दिया, मेल फीमेल कनेक्टर जो जॉइंट्स हैं ये निकाल दिया. कवर करो उसको. और ये एडीबी वॉल्व है, ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वेंशनल कनेक्टर जो है हमने हटा दिया, ये एडीबी वॉल्व लगा दिया हमने यहाँ पे. ये एडीबी वॉल्व लगाने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट तो बहुत ज्यादा आएगा, हवा जल्दी से भर जाएगी लेकिन निकलेगी बहुत धीरे धीरे. यहाँ पे एक जाली लगी हुई है, आपको दिख रही होगी इसके अंदर, ये जाली से हवा स्लोली स्लोली आउट हो जाएगी. तो डॉक्टर साहब को क्या है या नर्स जी को क्या है कि वो जब स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट ले रहे हैं, नस पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने हवा भर दी मान लीजिए. अब आप देखेंगे धीरे 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 धीरे, मैं वॉल से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये वॉल यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक एक ही रेट पे, एक ही डिफ्लेशन रेट होगा जिस पे ये नीचे आ रहा है. तो जैसे मान लीजिए कोई हाई बीपी पेशेंट है और उसका 190 बीपी चल रहा है, तो ये यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी. डॉक्टर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन शुरू हुई है और कहाँ खत्म हो रही है, वहाँ पे आपका डायस्टोलिक बीपी आ जाएगा. सिस्टोलिक मान लीजिए यहाँ आ गया, डिफ्लेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. मान लीजिए किसी का 100 था डायस्टोलिक प्रेशर, तो जैसे ये 100 पे पहुंचेगा तो वापस जो है पेशेंट की नस फड़कने लगेगी जहाँ पे वो एंड हो जाएगा. तो इस तरीके से बीपी आ जाएगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे आके ये लास्ट ही हो गया, तो डॉक्टर को पता चल गया, तो डॉक्टर का ये वाला फंक्शन खत्म हो गया. थैंक यू.